अंजू को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान में अंजू पर दबाव है? क्या वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार हो रही है? क्या पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कर रहा है? क्या उसे इस्लाम अपनाने को मजबूर किया गया है? अंजू शादी नहीं कर रही थी, फिर शादी क्यों की? क्या यह सीमा हैदर के भारत आने का बदला है? अंजू के बयानों की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? इसके इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा क्यों है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि से। इन सभी सवाल का जवाब हर लोगों के मन में झकझोर रहा है, तो चलिए हम यही सभी सवाल का जिक्र आपसे करने आए हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त निधि सिंह। और अब बढ़ते हैं इन सभी सवालों के जवाब की ओर। पाकिस्तान से आ रही अंजू और नसरुल्ला के वीडियो, रील्स और फोटोज चीख चीख कर कह रहे हैं कि अंजू की कहानी का स्क्रिप्ट राइटर पाकिस्तान ही है। किसी पेशेवर एजेंसी से उनकी वीडियो बनाकर रिलीज किया जा रहा है। जल्दबाजी में उनका निकाह भी कराया गया और उसके घर पर पाकिस्तानी पुलिस का कड़ा सुरक्षा पहरा बता रहा है। यही हकीकत कुछ और ही है क्या? क्या यह सीमा हैदर के भारत आने का बदला तो नहीं है? शादी को पाकिस्तान जाने का मकसद बताने के बाद भी अंजू को आसानी से वीजा मिलने के बाद से साफ है कि यह सारी कहानी पहले से ही लिखी किसी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है। सारे तथ्य इस मामले को सीमा हैदर से भी जोड़ रहे हैं। वही सीमा हैदर जिसने अपने प्रेमी सचिन के लिए भारत आकर पाकिस्तान के हालात के बारे में कई कड़वे बयान दिए थे। सवाल यह है कि सीमा हैदर के जरिए हुई किलकारी का पाकिस्तान बदला ले रहा है क्या? अब देखिए अंजू का कैसे इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। इस वीडियो में अंजू और रील्स देखिए जो किसी फिल्मी कहानी की तरह शूट किए गए हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर यह वीडियो इतनी तैयारी के साथ किसने और किस मकसद से शूट किए हैं? यह सब बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ इनको बनाया गया है। अंजू अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनबा के एक रेस्टोरेंट में खाना खाते दिख रही, वो भी पुरुषों के बीच वादियों में नसरुल्ला संग तफरीफ करते दिख रही हैं। यह बात इसलिए हजम नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि कट्टरपंथियों का उस इलाके में इतना आतंक है कि कोई बुर्कानशी महिला वहां मर्दों के साथ खुले में यह सब कैसे करने का सोच भी नहीं सकती है। इसका मतलब ये सारे फोटोज या वीडियो इस लिहाज से बनाए गए हैं कि इनको वायरल किया जा सके और इनके जरिए भारत समेत दूसरे देश में यह बताया जा सके कि पाकिस्तान में हालत कितने अच्छे हैं और पाकिस्तान का जो चेहरा सीमा हैदर ने बयान की है वह सही नहीं है। तो आप भी देखिए कट्टरपंथी देश पाकिस्तान किस तरह से भारत को उकसा रहा है और अपने बयानों के कारण भारत में चर्चा का विषय अंजू बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। और अब दीजिए मुझे इजाजत, ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।